हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे बनाते हुए काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि ये वीडियो कुछ मेरे चैनल पे हटके है। चलिए जल्दी से करते हैं मेरी वीडियो स्टार्ट। अगर आप उससे पहले मेरे चैनल पर न्यू है तो आपको क्या करना है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी ये वाली वीडियो को अपना लाइक दे दीजिए। सो गाइस, आज हम जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं वो है हमारी गुड वाइब्स की छोटी सी यू नो फेशियल किट। ये गुड वाइब्स की हमारी स्किन इल्यूमिनेटिंग फेशियल किट है और यहाँ पे आपको और भी गुड वाइब्स की फेशियल किट मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे पर्ल वाली यू नो परचेज की है, आपको गोल्ड की, सिल्वर की और डायमंड, बहुत सारे किट वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा। से बात करते हैं इसके नेट वेट की, तो ये 40 ग्राम का हमारा बॉक्स है, यानी कि जो इसके अंदर प्रोडक्ट निकलेगा तो उसकी 40 ग्राम नेट वेट है। तो गाइज, यहाँ पे इसके 4 ट्यूब्स आपको देखने को मिलते हैं और जो पहला है वो क्लिंजर है, सेकंड स्क्रब है, थर्ड मसाज क्रीम मिलेगी एंड फोर्थ आपको यू नो फेस पैक मिलेगा। तो जो आपको चारों ट्यूब मिलेंगे वो ईच 10-10 ग्राम के हैं, तो यानी कि 40 ग्राम इस तरीके से अप्रोक्सीमेट इसका वेट हो गया। और 260 रुपीज़ के यू नो प्राइस हैं, पर मैंने पर्पल से इसे अराउंड 200 के अप्रॉक्स परचेज किया है, तो काफ़ी अच्छी मुझे डील मिल गई है। एंड गाइज, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 22 है और इसे 24 में एक्सपायर होगी। तो सबसे पहले हम गुड वाइब्स के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट होते हैं वो पैराबेन फ्री होते हैं, सल्फेट फ्री होते हैं, मिनरल ऑयल फ्री होते हैं और बहुत सारे जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं यानी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सबसे फ्री होते हैं। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके साथ इसे बनाया जाता है। तो गाइस, मुझे पर्सनली गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने गुड वाइब्स के बहुत सारे यू नो फेस स्क्रब, फेस पैक और फेस वॉश, इन सब का यू नो यूज़ किया है इन सब को और रिव्यू भी इस चैनल पे शेयर किए हैं। तो काफ़ी अच्छे रहते हैं और बिल्कुल नेचुरल होते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो भी आपको ये सूट करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, काफ़ी अच्छे फेशियल किट है। और अगर आप मिनी कोई पॉकेट फ्रेंडली किट परचेज करना चाह रहे हैं और ढूंढ रहे हैं काफ़ी दिन से, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट है। तो गाइज, अब हम बात करें कि फेशियल किट के बारे में। तो गाइज, क्या होता है कि जैसे कोई भी फेशियल यानी कि क्रीम जो होती है या फेशियल कोई भी होते हैं वो आपकी स्किन को एकदम से वाइट यानी कि आपके स्किन के जो कॉम्प्लेक्शन होता है उन्हें यू नो बढ़ा नहीं देते हैं। अगर आपके स्किन पे किसी तरीके से कोई टैनिंग हो गई और आपकी स्किन का जो कलर होता है, नेचुरल जो कलर होता है वो दब गया है, तो उस टोन को आपकी एक आध टोन ये यू नो ऊपर कर देती, इंक्रीज कर देती है। मैं ये नहीं कहूँगी गाइस कि ये एकदम से आपकी स्किन का कलर चेंज कर देगी, और सबके स्किन टाइप जो भी कलर होता है वो बहुत अच्छा होता है। हर स्किन यू नो हेल्दी होनी चाहिए और कलर यू नो मतलब नहीं रखता है, पर ये जो फेशियल होते हैं ये आपकी स्किन पे अगर कोई भी डार्कनेस आ गई है या फिर आपकी स्किन जो है वो बर्न हो गई है धूप में जाके और टैनिंग हो गई है, तो उन्हें ये अच्छे से क्लीन कर देती है और कोई भी क्रीम आपको यू नो गोरा नहीं करती है, बस आपके स्किन टोन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है। तो चलिए गाइस, जल्दी से इसका यूज़ देख लेते हैं और बाकी बातें मैं यूज़ के टाइम ही आपको बताऊंगी किस तरीके से यूज़ करना है और क्या इसके यूजेस हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको मेरे ये यूज़ देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पसंद आ जाती है तो क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो देखते हैं आपके यूज़। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा क्लिंजर। तो क्लिंजर बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, जो हमारी स्किन है उसे क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इसे 2-3 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है और अच्छे से अपने स्किन को क्लीन करना है। इसे सर्कुलर मोशन में बहुत जेंटली हाथों से आपको इसे यू नो अप्लाई करना है। और गाइज, यहाँ पे वीडियो को मैंने फास्ट एंड फॉरवर्ड किया हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हल्के हल्के हाथ से मैंने किया है। हमारा सेकेंड स्टेप है मसाज क्रीम। गाइस, मसाज क्रीम आपकी स्किन पे जो अनइवन स्किन टोन हो जाता है, रफनेस हो जाती है, डलनेस हो जाती है, उसे क्लीन आउट करने में हमारी हेल्प करती है और आपको अच्छे से इसे 5-10 मिनट्स के लिए अपने स्किन पे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है और आप खुद से इसका यू नो इफेक्ट देखेंगे अपने फेस पे।
थर्ड स्टेप में हमारी बारी आती है स्क्रब की। ये हमारे फेशियल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस। यहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट्स के लिए आपको अपने फेस पे बहुत ही ज़्यादा जेंटल हाथों से स्क्रब करना है। ये हमारे फेस पे जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो जाते हैं उन्हें क्लीन आउट करने में हमारी हेल्प करता है और हमारी स्किन पे एक नेचुरल ग्रो प्रोवाइड कराता है। एंड गाइस लास्ट जो हमारा फाइनल स्टेप है वो है फेस पैक। तो आपको इसे 15 टू 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे अप्लाई करना है और ये हमारी स्किन को फ्रेंड्स काम करता है एंड हमारी स्किन को रिलैक्स करता है। इसे लगा के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सा और बहुत कूल महसूस होगा। सो गाइज ये थी मेरी आज की गुड वाइब्स की फेशियल किट की मिनी फेशियल किट की वीडियो। आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। काफी हेल्दी और काफी फ्रेश मुझे फील हो रहा है इस टाइम पे। कोई भी आप अगर स्क्रब करते हैं या कुछ भी करते हैं तो लास्ट में आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाइए। तो यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का ही ये ऑरेंज जेल है, काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसे ये लगा रही हूँ। आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं तो अच्छा रहता है। और ये बहुत, और इसे मैंने फ्रीज में रख रखा है, काफ़ी ठंडा ठंडा है, कूल कूल है। तो ये फेशियल करने के बाद इसे अच्छे से अपने फेस पे लगा लीजिए। तो गाइस चलिए ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, मेरे इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आगे भी आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरा चैनल क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।